नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो पिछले कल टेट मेडिकल का हुआ था उसकी आंसर की के बारे में हम बात करेंगे और उसका आज जो वीडियो है इसमें हम बॉटनी और जुलोजी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे सिंपली तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ में बैलाइकिन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें दिस स्पज इज़ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए सिम्बल ऑफ यूनियन टल डेथ मतलब कि जापान में एक कॉस्टली जो स्पॉन्ज है उसको गिफ्ट दिया जाता है जो कि यूनियन ऑफ डेथ मतलब जब तक मरे ना तब तक की यूनिटी का एक सिंबल है तो कौन सी है वो तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दैट इज़ यूप्लेक्टिला नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन द ह्यूमन किडनी इज़ तो जो ह्यूमन किडनी होती है वो मेटा नेफ्रिक होती है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री मैच द फॉलोइंग कॉलम्स तो कॉलम वन में विटामिन दे रखी हैं दूसरी तरफ उसके केमिकल नेम रखे हैं तो आपको इसमें जैसे विटामिन ई e का जो केमिकल नेम होता है तो वो होता है टोकोफिरोल और विटामिन डी का होता है कैल्सी तो आप अगर ऐसे मैच करते हो आप तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है फर्स्ट का थर्ड और लास्ट का फोर्थ तो आपका यही राइट आंसर था तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिसीज़ इज बिच ऑल्सो नोन एज दम दम फीवर इज तो दम दम बुखार के नाम से जाना जाता है कालाजर को नेक्स्ट क्वेश्चन बिच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस ट इज रेड नेक्स्ट क्वेश्चन ए नॉन डाइजेस्टिव इंजाइम दैट कन्वर्ट ट्राइपसोजन टू ट्राइपन इज तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज इंट्रोकाइनेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन कोकोनेट मिल्क कंटेंस तो कोकोनेट मिल्क एक हारमोन कंटेन्स कहता है तो वो कौन सा होता है वो होता है साइटोकाइन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द ट्राइसोमी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम काजेज तो डॉन्स सिज्डम होता है जब ट्राइसोमी होती है इक्कीस में क्रोमोसोम की नेक्स्ट सिक्सटी नाइन बिच एंटीबॉडी डिवेल्प इन केस ऑफ एलर्जी तो एलर्जी के केस के में ऑप्शन बी आई जी ई जो एंटीबॉडी है वो डिवेल्प होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्रैंट्स इनाटमी इज़ यूजली एसोसिएटेड विद तो सी फोर प्लांट ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन स्टडी ऑफ पोलन ग्रीन इज तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज लोजी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू एंट्री ऑफ फूड इंटू लेरिंग्स इज प्रिवेंटेड बाय तो कौन सी चीज़ है जो उसको प्रिवेंट करती है लेरिंग्स मतलब कि बिंड पाइप में एंटर करने से फूड को तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज एपिगलोटिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज द फर्स्ट बर्टी टू हैव इवॉल्व्ड तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज यो फिश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर अनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज तो टेन परसेंट रहती है टेन परसेंट लॉ भी होता है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इज से टेक्निक यूज टू तो ये फिटस की जो फिटस की हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिटर्मिनेट करता है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा डिटरमाइन एनी हेरिडिटी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेवेंटी सिक्स हु डिस्कवर दैट ग्रीन प्लांट रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर दियर न्यूट्रिशन तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन डी रहेगा दैट इज स्टेफेन हेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन ए क्रॉस मेड बिटवीन टॉल पी प्लांट हैविंग ग्रीन पॉट्स एंड ड्राफ पी प्लांट्स हैविंग येलो पॉट्स टॉल प्लान्टन एफ टू जनरेशन आउट ऑफ सिक्सटीन वुड बी तो आपने ऑल तरह के चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो येलो वाले हो आपने ऑल तरह के प्लांट्स बताने थे इसमें टॉल कितने हैं तो इसमें राइट आंसर रहेगा सी दैट इज ट्वेल्व होंगे जो टोटल टॉल प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट इसल्फ वेल्प ऑफ बैन कैप्टिन तो जब उसको ऐसे सोल्यूशन में रखा जाएगा जहाँ से पानी उसके अंदर आ सके तो अगर जो सेल है उसके अंदर कंसट्रेशन ज़्यादा होगी तभी पानी उसके अंदर आएगा ठीक है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा उसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज़ आर कॉल्ड एज तो उनको बोलते हैं हेलो फाइल्स ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा आपका नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एटी डायनासोर्स पर प्रजेंट ड्यूरिंग तो कौन से एरा में थे तो मिजोजोइक एरिया में डायनासोर प्रजेंट थे नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल कॉल्ड पोडोसाइट्स अकर इन तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज़ इनर बॉल ऑफ बोबेन कैप्सूल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी टू हीमोगलोबिन हैज मैक्सिमम अफिनिटी टू तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे ज़्यादा अफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए तभी बोला जाता है कि अगर आप सर्दियों में कमरे में अगीठी जला के सो रहे हैं तो उसमें कार्बन मोनॉक्साइड बनती है जो कि आपकी हीमोग्लोबिन की सारी साइट्स को ब्लॉक कर देती है मतलब उसकी इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा है अटैच विद हीमोग्लोबिन होने की ठीक है तो हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी अटैच हो जाता है कार्बन मोनॉक्साइड और जिस वजह से बंदा सफोकेशन के कारण मर जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन प्रमोट्स तो इंसुलिन इसमें किस चीज़ को प्रमोट करता है ऑप्शन बी रहेगा ग्लाइकोजेंसिस को प्रमोट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन राइस इज तो गोल्डन राइस यहाँ पे ऑप्शन उल्ट पटांग से दे रखे हैं इजी सा ऑप्शन है इसका ए ट्रांसजें ट्रांसजेनिक राइस है हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट्स इन तो जो कॉर्न सेल्स होते हैं वो कलर डिफ्रेंशन को डिफेक्ट करते हैं और रोड सेल्स जो होते हैं वो लाइट और डार्क को डिटेक्ट करते हैं तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दैट इज़ कॉर्न सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स मैटास्टाइसिस इज एसोसिएटेड विद तो मेटास्टेसिस क्या इस तरह का एक प्रोसेस होती है जिसमें फिनोमिना होता है जिसमें कि एक सेल इफेक्टेड होकर अगले सेल्स को भी इफेक्टेड करता है ठीक है तो इस तरह का जो कैंसर है वो किस में एग्जिस्ट करता है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिस्ट करता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी सेवन बिच लेयर डिवल्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डिवेलमेंट तो इसमें जो फर्स्ट लेयर कौन सी डिवल्प होगी एम्ब्रोनिक के दौरान तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज एंडो डर्म नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा फेंट हो गया हार्ट ऑफ कॉकरोच इज तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा थर्टीन चैम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ टैप्टम इज तो टैप्टम का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना तो इसका राइट आंसर है सी दैट इज न्यूट्रिटिव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इज़ यूज इन तो ये एकदम से बहुत सारे डी एन ए फ्रैगमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसका राइट आंसर रहेगा डी एन एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलीज ऑफ पेंक्रेटिक यूज फ्रॉम पेंक्राइज इज स्टिम्युलेटेड बाय तो इसको कौन सा जो हार्मोन जहाँ हम बोल सकते हैं स्टमुलेंट जो है वो कौन सा इसको स्टिमुलेट करता है तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज़ कॉलसी स्टॉक काइन इन नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी टू बिच इज नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट्स तो इंसेक्ट्स के बारे में कौन सा सही नहीं है तो इसका राइट आंसर रहेगा बी दैट इज रेजिप्रेशन अकर थ्रू मेलीफिजिन टिब्यूल नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी थ्री एंटीकोडोन्स आर लोकेटेड इन तो ये ट्रांसफर डी एन सॉरी आर एन ए में एग्जिट करते हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा टी आर एन ए नेक्स्ट क्वेश्चन साइरोहोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ तो इसका ऑप्शन रहेगा ये एक डिजीज़ है जो कि ज़्यादा इनटेक ऑफ एल्कोल के कारण होती है नेक्स्ट मॉलिकुलर सीजर बिच कट डीएनए इज़ तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्युक्सिस को हम एक बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं जो डी को कट करने के लिए काम आता है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइंटी सिक्स बिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन यूनिट ऑफ इको तो इसमें से कौन सी फंक्शन यूनिट नहीं है इको की तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रहेगा दैट इज स्टेटिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम्स इज तो प्लांट किंगडम के रिप्टाइल्स किन को बोला जाता है ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा साइकाइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल ऑर्गेनाइज बिथॉट लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज न्यूक्लियोलस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन सन प्लांट्स आर तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज हेलियो जो सन प्लांट्स होते हैं वो हेलियो सॉरी हेलियो होते हैं मीन्स की सनलाइट इनको जरूरी चाहिए होती है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड हु क्वाइंट द टर्म जेंटिक्स तो फादर ऑफ जेंटिक्स थे जेजे मैंडल बट टर्म किसने की थी क्वाइंट तो बिलियम बॉटसन ने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हेपेटिक पोर्टल बेंस एक्सटेंड बिटवीन तो इसका रोल क्या होता है लिवर और एलिमेंट्री कनाल्स के अंदर ब्लड सप्लाई कर प्रोवाइड करवाना तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज एलिमेंट्री कनाल एंड लिवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो पैदा करता है जे एंटीबॉडीज़ तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ लिम्फोसाइट्स बीटा लिम्फोसाइट्स इनको जनरेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री ए सरोगेट मदर इज़ सरोगेट मदर का मतलब होता है कि किसी और के लिए बच्चा पैदा करना ठीक है तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा ए वुमेन हु सब्सिट्यूट द रियल मदर टू डेवलप द एम्ब्रियो किसी और के लिए अपने एम्ब्रियो में किसी और के बच्चे को पैदा मतलब तैयार करना है और उनको डोनेट कर दिया जाएगा तो मतलब इस तरह की मदर को सैरोगेट मदर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ चार इफ द न्यूक्लियस सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन ट्वेंटी फोर क्रोमोसोम्स द नंबर नंबर ऑफ प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो बी तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी ट्वेल्व मतलब पॉलन ग्रेन में क्या हो जाता है उसका नंबर हाफ हो जाता है तो ट्वेल्व आएगा आगे एंडोस्पर्म्स में होता है ट्रिप्लाइड ध्यान से रखें पोलन ग्रेन्स में होता है हेपलाइड मतलब हाफ हो गया उसका तो आगे आपके पास बारह और एंडोस्फार में होता है ट्रिपोइड तो बारह तीस छत्तीस हो गया और एम्ब्रियो में डबल होता है तो ट्वेंटी फोर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी एन ए फ्रेगमेंट्स आर तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स द मोस्ट एबान्डेड प्रोटीन इन एनिमल्स इज़ तो इसको क्या बोलते हैं कैलोजन कैलोजन जो हैं वो मोस्ट ओबेड प्रोटीन्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑड वन इसमें ऑड वन कौन सा है तो स्पीड पोटैटो इसमें ऑड वन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेम द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक इन विच द एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ सेल तो ऑब्वियसली उसने बुक्स जो है बहुत सारी लिखी हैं बट उस जिसमें डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बताया उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज माइक्रोग्राफिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 सौ नौ पोकीलियोथर्म्स आर तो इनको क्या बोलते हैं हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा नहीं सॉरी इनको कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं और एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं तो इसका राइट right आंसर रहेगा सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 ए बाईसेक्सुअल फ्लावर्स बिच नेवर ओपन इन इट्स लाइफ स्पैन इज़ नोन एज तो कभी भी जो ओपन नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो इसका राइट right आंसर जो है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह द नेट गेन ऑफ ए टीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिस इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ बीच ऑफ फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एबायोटिक मीन्स की जो लिविंग नहीं है तो इसमें देख सकते हैं बैक्टीरिया प्लांट फंगजाई सारे लिविंग है इसमें ह्यूमस जो होगा वो एबायोटिक कॉम्पोनेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टीन लैगिनियो लेगम्यो ग्लोविन हेल्प इन तो ये क्या करता है यहाँ पे इसका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा ये प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजिनिस को फ्रॉम ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है ताकि जो हमारा नाइट्रोजिनिस है वो प्रोटेक्टेड रहे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन एंजियोस्पर्म्स लेटर रूट्स अराइजेस फ्रॉम तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दैट इज पेरिसाइकल से अराइजेस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टीन द टेक्निक ऑफ ऑप्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बाय इश्यू सॉरी बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड तो इसको बोलते हैं माइक्रो प्रॉपगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटीन द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेट डीएनए एन टेक्नोलॉजीज तो वो कौन सा था इंसुलिन जनरेट हुआ था नेक्स्ट ट्यूमिलेंट प्रेजेंट इन टी कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स इज तो इसको क्या बोलते हैं कैफिन होता है इनमें नेक्स्ट द सेल दैट डज सॉरी डू नॉट रिस्पायर आर तो इसमें से इिथ्रोसाइट्स जो है वो रिस्पायर नहीं करते हैं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन नाइनटीन कार्पस कोलेसम इज फॉर्म्ड बिटवीन तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज सेवल हेमिस्पियर्स नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूरोजियन बॉटनी ए कपल हैज़ थ्री गर्ल्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ फोर्थ चाइल्ड टू बी ए गर्ल इज़ तो ध्यान रखें कि बेशक पहले जितने भी लड़के हो चुके हों जहाँ लड़कियां हो चुकी हैं है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्रॉबिलिटी ऑफ गर्ल फिफ्टी परसेंट ही होती है जहाँ तो लड़का होगा जहाँ तो लड़की होगी ठीक है दो हमारे पास प्रॉबिलिटीज़ हैं तो गर्ल्स के होने की प्रॉबिलिटी क्या है वन बाई टू मीन्स की फिफ्टी परसेंट तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी दैट इज़ फिफ्टी परसेंट इससे कोई मतलब नहीं है कि पीछे लड़कियाँ हुई थी जहाँ पहले लड़के हुए थे तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिफ्टी परसेंट ही रहेगी हर टाइम नेक्स्ट चलते हैं जनरल बियरनेस के क्वेश्चन हैं कुछ बीच स्टेट इज लीडिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज सिक्किम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू हु इज प्रजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो तो इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी दैट इज डॉक्टर के सिवान नेक्स्ट एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑन बिच रिवर बैंक इज तत्ता पानी हॉट वाटर वाट, वाट, स्प्रिंग सिचुएटेड तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज सतलुज नेक्स्ट हु इज द करंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ नीति योग तो नीति योग के जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन से हैं डॉक्टर राजीव कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन वन ट्वेंटी सिक्स बेन वॉस शिमला डिक्लेयर द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कब बनी थी ये तो ऑप्शन इज राइट आंसर रहेगा दैट इज एटीन सिक्सटी फोर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन विच स्टेट इज द फेमस टूरिस्ट प्लेस माउंट आबू लोकेटेड तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा डी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट इज सना मेरेन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिच कंट्री तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दैट इज फिनलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 129 ट्वेंटी नाइन भारतमाला इज एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ बिच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भारतमाला क्या है एक रोड ट्रांजेक्शन जो रोड बनाने हैं उसके रिलेटेड है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बट इज़ सी तो ए क्या है सिटीजन अमेंडमेंट है ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हु द फेमस हुए पोइट ऑफ अकबर तो इसका राइट right आंसर क्या था बायराम खान नेक्स्ट चलते हैं आउट ऑफ फॉलोइंग हु बॉज अवार्डेड द विक्टोरिया क्रॉस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर हिज ब्रेवरी ऑप्शन तो ए राइट आंसर रहेगा दैट इज़ कैप्टेन भंडारी राम नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ साक तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा मैन जो है वो साक का मेंबर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर बैनबॉज इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडर तो इसका राइट आंसर रहेगा नाइनटीन फोर्टी टू नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिच कंट्रीज़ नोन एज शुगर वावल ऑफ वर्ल्ड तो उसका राइट आंसर है एक ऑप्शन है दैट इज क्यूबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स इन बिच फील्ड वर मैक्सिम एम यू साइंड फॉर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ग्लोबल इन्वेस्टर मीट टू थाउंड नाइनटीन इन हिमाचल तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें वैसे तो टूरिज्म में भी हुए हॉर्टिकल्चर में भी हुए हैं बट सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक नेक्स्ट चलते हैं वेयर इज़ द चौरासी टेम्पल तो चौरासी टेम्पल्स कहाँ पे हैं भरमोर में हैं ये सारे नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द गुरुद्वारा गुरु का लाहौर सिचुएटेड तो ये बिलासपुर में ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वेयर इज चमेरा सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो ये भी चंबा में है ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसका नेक्स्ट चलते हैं बट इज़ द एशियंट नेम ऑफ कांगड़ा तो इसका राइट right आंसर रहेगा बी दैट इज त्रिगढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद यू फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द करेंसी ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड की करेंसी कौन सी है तो इसमें पाउंड है नेक्स्ट बेन बॉज डांडी मार्च स्टार्टेड तो 1930 में स्टार्ट हुआ था ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 144 फोर्टी फोर विच ऑफ फ्लोइंग प्रिंसली स्टेट बॉज नॉट एक्जेंटेड बाय द ब्रिटिश तो इसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ सतारा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हु हैज़ वन दादा साई पालके अवॉर्ड इन ऑफ 2019 तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डेट इज़ अमिताभ बच्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश का जो करंट चीफ जस्टिस है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा लिंगप्पा नारायण स्वामी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 सेवन सिटीजन ऑफ बिच कंट्री हैव वन द हाइस्ट नंबर ऑफ नोबल प्राइजेज तो ऑब्वियसली इसमें यू एस ए ही आएगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी एट कुथलेट स्टेट इज प्रजेंटली पार्ट ऑफ बिच डिस्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली इसका राइट right आंसर जो है वो ऊना है ऊना की एक प्रिंसली स्टेट थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी नाइन बियर इन हिमाचल प्रदेश इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कुफरी में है शिमला में तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी स्टार्टेड द फेमस कुल्लू दशहरा तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर जगत सिंह ने ये स्टार्ट किया था तो ये थी आंसर की जो एच पी टेट हुआ था मेडिकल का पिछले कल बारह को तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें थैंक यू